की खुदा नहीं, नबी खुदा नहीं, और इसलिए रामा काबे को हम कहते जुदा नहीं है, ना खुदा है ना खुदा से जुदा है। इसीलिए मेरे दोस्तों सारा मामला नहीं बना कर अटक गया। अभी आप यहाँ का आई आर अन इंट्रोड्यूस आई डोंट नो यू आई विल आस्क व्हाट इज योर रिलीजन आई वांट टू नो व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन तो आई आस्क हु इज योर लॉर्ड। मैंने सोचा यार तीन खुदा वाला है कि एक की 33 मिलियन इन इंडिया 36 करोड़ देवता वाला है। हम जिस मुल्क जाए वहां 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़ 33 मिलियन एक देवता को अगर एक दिन में राजी किया ना तो हम मर जाएंगे और कुछ बहुत ज्यादा देवता बच जाएंगे जिनका नाम कर देंगे। क्या प्रॉब्लम है इंग्लिश में? हमने पूछा हुई है लॉर्ड आप जगह रबी अल्लाह माय लॉर्ड इज अल्लाह। अब मालूम हो गया कि यह बंदर जो है ना ये नेचुरी नहीं है, ये पक्का कम्युनिस्ट नहीं है। अल्लाह को मानता है, डाउट सिर्फ ये है कि बेस क्या है मानने का, बेस क्या है नहीं। तो हमने बोला बेस नहीं सुनो वो रिलीजन, तो बोला माय रिलीजन इज इस्लाम, मैं मुसलमान हूं। इस जवाब से पता चलेगा बंदा जो है योगी नहीं, नसरानी नहीं, मरीबी भी नहीं और सिख भी नहीं, बंदा जो है मुसलमान। अपने को चुप हो जाना चाहिए ना, मैं फरिश्ता चुप नहीं होता। हमें जान लिया कि अल्लाह वाला है, इस्लाम को मानता है, तो अब इस्लामी जमात में वो आ गया। मैं उल्टा नहीं कहूंगा, मैं अपने हिसाब से इस्लामी जमात में वो आ गया, मगर फरिश्ता सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दीन ही इस्लाम कबर में पहला सवाल क्या है? मन रखो का लॉर्ड मोमिन रिप्लाई माय लॉर्ड इज अल्लाह रब्बी अल्लाह। अनदर क्वेश्चन व्हाट इज योर रिलीजन मादीनों का, तो मोमिन रिप्लाई दीन ही इस्लाम माय रिलीजन इज इस्लाम। तो इस्लामी हो जाने के बाद क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन फरिश्ता सेटिस्फाइड नहीं है। तो फरिश्ते ने यह दिया कि अगर कोई इस्लामी जमात होने का दावा करे तो भी वो कामिल नहीं है। इसीलिए सुन्नियों ने कहा कि आज की कोई जमात इस्लामी कामिल नहीं है, जब तक वो फरिश्ता जहां मुतमईन होगा वहीं सुन्नी मुतमईन होगा। फरिश्ता का सवाल खत्म होता है जब वो पूछता है माकुम का तकुलो पिहाजा लजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। जब नबी के बारे में उसने कहा आधा नबी और ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, नारे को ढाका के लिए से इस बात समझ जाओ। तो फरिश्ते ने पूछा मकुत दखुल, ये नहीं कहा कि क्या कहते हो, व्हाट डू यू से नहीं कहा, व्हाट वॉज योर हैबिट, मकुत दखुल क्या कहा करते थे। अब जो जो कहा करता था उल्टा सीधा वही फंसेगा। हम तो कहेंगे तो यार रसूल अल्लाह कहा करते थे, या नबी अल्लाह कहा करते थे, या हबीब अल्लाह कहा करते थे, या नूर अल्लाह कहा करते थे। अरे जो अपनी तरह कहता रहा होगा वो फंसेगा। तीसरा सवाल, उसकी वजह शायद ये हो, नुक्ताबाद अल्लाह पेश कर रहा हूं कि तरतीब इस तरह से क्यों है।
फिर पहले रब के बारे में, फिर दीन के बारे में, फिर नबी के बारे में, ये तरतीब क्यों? अल्लाह रसूल और दीन ऐसा हो जाता, पहले अल्लाह के बारे में, फिर नबी के बारे में, फिर दीन, ये अल्लाह के बाद दीन हो, दीन के बाद नबी, ऐसे क्यों? तो मुमकिन इसकी वजह ये हो कि ये अल्लाह का मानने वाला है तो दुनिया तो पता रह जाइए, तो दुनिया इंशाअल्लाह मादीन होगा। उसने कहा मेरा दीन इस्लाम है, बात अभी खत्म नहीं हुई, इस्लाम में भी तो भरोसे सोच रही किस फिरके से तेरा ताल्लुक है, ये तो तभी पता चलेगा जब नबी के बारे में तू बोलेगा क्या कहा करते थे। तो कब्र में इस्लाम का दावा काफी नहीं, उसकी वजह यह है कि खुदा का मानना कब सही जब वो इस्लाम की बुनियाद पर हो, और इस्लाम का दावा कब सही जब दलील मोहम्मद रसूलुल्लाह। उससे बड़ी बात है ये सब बातें, अभी नबी भी तो है, तो फरिश्ते तुम्हें ये तो नहीं पूछा तो बाकी उसी वो दिस प्रॉफिट नबी तो नहीं था माँ कुंता का खूलो फिर हाजर नबी, ये मर्द तो कामन लगता है, हम सब लगता है लेकिन नबी कोई नहीं है, तो रसूल को मर्द हुआ नबी क्यों नहीं था? इसका जो जवाब क्या कर मैं नहीं कह देता तो सवाल ही में तो जवाब आ जाता, हम इम्तिहान ले रहे ये सब और कर रहे तेरे ही मानते जब इम्तिहान लेना तो हमको यह सवाल यूज नहीं करेंगे कि तेरे जवाब में तुझे जरूरत हो जाए, तेरा ईमान बोले फाइव क्या है, अभी हम कह देंगे इमाम हुसैन इब्ने अली के वालिद का नाम बताओ, सवाल ही में तो जवाब है, उमर इब्ने खत्ताब के अब्बा का नाम बताओ तो सवाल ही में तो जवाब है, इस नबी के बारे में बताओ सवाल ही में तो जवाब है कि नबी है, मैं मर्द कहूंगा क्वेश्चन है कि मैं मर्द कहूंगा, देखूं तू मर्द सुनकर बशरियत में उलट के रह जाता है या नबूवत भी नजर आती है, दूसरा जवाब सुन, नबी होने के लिए अगर बच्चे ने नबी लफ्ज यूज किया होता तो आप सारे